नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिजू बाबा इन्फोटेक पर। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारे इस चैनल के द्वारा खेती किसानी से जुड़ी जानकारी दी जाती है, तो दोस्तों आज भी कुछ जानकारियां लेके आपके बीच में मैं आया हूँ। तो उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर ये निकल के आती है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया है, जो किसानों के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। तो मैं बता देता हूँ इस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपको। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ मोबाइल ऐप। जी हाँ दोस्तों, किसान रथ मोबाइल ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो किसानों की हर संभव मदद करेगा। इसको आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आपको किसान रथ मोबाइल ऐप के नाम से ये मिल जाएगा। आप इसको सीधा डाउनलोड करके इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल के, अपने पासवर्ड डाल के इसको सेट कर लीजिए। तो दोस्तों ये किस प्रकार कार्य करेगा यह भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इस किसान रथ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किसान अपनी फसल को बेचने के लिए, व्यापारियों से संपर्क के लिए कर सकता है, तथा इसके द्वारा वह ट्रांसपोर्ट की जानकारी, जो वाहन रहते हैं ट्रक वगैरह, उसकी जानकारी के लिए जो सारी लोडिंग व्यवस्था है वह इसके द्वारा संचालित कर सकता है। किसान घर बैठे अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकता है। तो यह अपना जो केंद्र सरकार है, इसने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि सभी खरीदी इसी प्रकार से की जाए, क्योंकि देश अभी एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, जिसमें किसान लोग अपनी फसल को बेचने के लिए परेशान ना हो, इस कारण मोबाइल रथ एप्लीकेशन जो है मध्य प्रदेश में श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, जो कृषि मंत्री है हमारे अभी, उन्होंने लॉन्च करवा दिया है। तो जल्दी से आप प्ले स्टोर से इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि गेहूं उपार्जन केंद्र का काम चल रहा है, समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचे जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने इस बार बताया है कि रविवार के दिन भी आप सोसाइटी पर जा सकते हैं, रविवार के दिन भी अपनी गेहूं को तोल सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर अपने लिए आई है, किसानों के लिए आई है, कि रविवार के दिन भी आप अपनी फसल को बेच सकते हैं, ताकि भीड़ कम हो और जल्दी से जल्दी फसल जो है किसान केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुंचा सके, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला गवर्नमेंट ने हमें दिया है उसका पालन हम कर सकें। इसी के साथ अगली खबर गेहूं उपार्जन केंद्र से आती है कि इस बार हर साल की तरह 1500 जो है केंद्र ज़्यादा बनाए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और जल्दी से जल्दी जो किसान लोग अपनी फसल केंद्र सरकार तक पहुंचा सके। तो यह भी बहुत बड़ी खबर किसान लोगों के लिए निकल के आ रही है। और अगली खबर हमारे बीच में यहाँ निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने किसानों की सहायता के लिए किसान टोल फ्री नंबर का जो है शुभारम्भ किया है। तो आप हमारे स्क्रीन पर ये देख रहे हैं किसान टोल फ्री नंबर है, जिस पर आप फ़ोन लगा सकते हैं सुबह 6 बजे से लगा के 7 बजे तक, और जानकारी वहां से पा सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ किसी समस्या समाधान के लिए भी आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आज की आखिरी खबर यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सभी किसानों के लिए जो पहले की रणनीति शिवराज सिंह सरकार ने बनाई थी कि 0% कृषि ऋण जो किसानों को दिया जाएगा, उसी प्रकार इस बार भी, इस सेशन में भी, या इस कार्यकाल में भी कह सकते हैं कि वही सुविधा वही किसानों को दी जाएगी, 0% ब्याज पर लोन दिया जाएगा 2020-21 में भी। पिछली सरकार जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो उन्होंने इस स्कीम पर रोक लगा दी थी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे फिर से पुनः जो है चालू कर दिया है। तो यह भी एक बहुत ही बड़ी खबर किसानों के लिए निकल के आ रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना सा ही।